हमारे खास मेहमान डीएलएम वन निगम के आर्यन सिंह सर मौजूद हैं। पहली बात सर, आप ये तो मानते ही हैं कि कतरनिया का जो प्राकृतिक वातावरण है उसने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है जी। और देखा जाए तो यहाँ पर्यटक काफी संख्या में आने भी लगे थे। अब भाई आप सफारी का रेट ले लीजिए तो इस वक्त की जो सफारी हो रही है वो 3500 रुपए उसके बाद जीएसटी लग रही है, तो आपको तो सस्ता करना चाहिए निगम को या विभाग को। आपकी तरफ से इतना रेट बढ़ा दिया गया तो क्या आप चाहते हैं कि पर्यटक आए ही ना, या इसका असर पर्यटन पर पड़ेगा, संख्या कम होगी? देखिए ऐसा है कि ये रेट का निर्धारण निगम मुख्यालय स्तर से किया गया है, जिसके जैसा कि निर्देश जो है वन विभाग के वाइल्ड लाइफ से प्राप्त हुए हैं। और ये अब सीजन शुरू होता है तो बढ़े हुए दरों का पर्यटकों पे क्या असर पड़ रहा है ये तो कुछ समय के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार सर एक नई चीज यहाँ देखने को मिल रही है, ये लिफाफा यहाँ पर था इस रूम में, क्या है ये, इस पर लोगो भी बना है टूरिज्म का? इसमें है कि जो भी पर्यटक यहाँ रुकेंगे उनको जो भी हम तौलिया वगैरह देते हैं वो बेल में रख करके उनको जो है प्रेजेंट की जाएगी, ताकि ये एक इको टूरिज्म का एक तरह से विज्ञापन भी होगा। दूसरा ये है कि वन क्षेत्र से प्लास्टिक को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डीएलएम सर का कहना है कि जैसे जो अच्छे होटल 5 स्टार होटल होते हैं वो भी तौलिया या चादर पैक करके देते हैं, उसका इसका दो मकसद है, एक तो यहाँ पर जो भी पर्यटक आए उनको कहीं से ये ना लगे कि सुविधाओं में कोई कमी है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है कि प्लास्टिक जंगल में बैन थी और यहाँ जब पर्यटक आते थे तो शायद साथ में प्लास्टिक वगैरह भी लाते थे, उसको खत्म करने का भी एक प्रयास है कि अब जो भी प्रोडक्ट दिए जाएंगे वो कागज के लिफाफे में दिए जाएंगे।